बिहार के नवादा के साथ जहां पर आगजनी की घटना सामने आई है, यहां कल देर रात दबंगों ने जमकर तांडव किया। आरोपियों लगा कि दबंगों ने महादलित बस्ती में कल रात करीब 80 झुग्गियों को फूंक दिया। हालांकि पुलिस ये कह रही कि 20 से 21 झोपड़ों में आग लगी है, जबकि पीड़ित ये कह रहे हैं कि महादलित टोला में जितने झोपड़े थे सब जल गए हैं। इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जमीन के विवाद में आगजनी की आशंका है। इसको लेकर राजनीति भी तेज है। तेजस्वी ने इसे महाजंगल राज और महा राक्षस राज कहा। बिहार के नवादा में झोपड़ियों में किसी ने आग लगा दी। एक दो नहीं, 80 झोपड़े जलकर खाक हो गए। शाम का समय था, खाना पीना करके लोग सोने जा रहे थे कि पूरा मोहल्ला धधक उठा। नवादा की ये महादलित बस्ती थी। झुग्गी झोपड़ी लगाकर लोग गुजर बसर करते थे, लेकिन बुधवार की रात आगजनी हो गई। छत के नाम पर घास फूस के घर, गृहस्थी के नाम पर कुछ सामान, लेकिन अब सब कुछ जलकर खाक हो गए। हम लोग तो यहाँ 80 घर बसे थे। तो कितने घर को आग लगा दिया गया है? पूरे घर के आगे लग गया सर, पूरे घर को। मैंने दो चार को झोपड़ी बचा देखी। ये गोरीलाल रविदास है, इसी बस्ती में रहते थे, लेकिन अब वो भी जलकर राख हो गई। पीड़ितों की माने तो बस्ती में 80 झुग्गियां थी, कुछ एक को छोड़कर सब जल गए। लेकिन पुलिस की थ्योरी कुछ और ही है। अभी तक जो सूचना मिली है, करीब 7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिलके रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा, तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है, वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। बस्ती में आग किसने लगाई, आग लगाने की वजह क्या थी, इसको लेकर डीएम ने कहा कि पुराना विवाद था, शायद इसीलिए फूंक दिया। कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। घटना ये है क्या, यहाँ पर पहले से टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है, उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है, ऐसा इन लोगों ने बताया। नवादा में दलितों की झुग्गियां जली तो बिहार की सियासत सुलग पड़ी। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लिखा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महा राक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर, गरीब जले मरे इन्हें क्या। बिहार सरकार के मंत्री जनकराम ने कहा कि आगजनी के जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। आदित्य वैभव, नवादा आज तक। और इस बीच आपको बता दें कि बिहार में महादलितों का घर किसने जलाया। नवादा में महादलित टोला की करीब 80 झुग्गियां जलकर राख हो गई। नवादा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर दलित बस्ती की एक घटना है जो कल रात हुई है। दबंगों पर महादलितों के घर जलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों ने फायरिंग का भी आरोप लगाया है। पुलिस का दावा है कि कोई खोखे नहीं मिले, इसलिए फायरिंग की आशंका ही जताई जा रही है। इलाके में कैंप कर रही है पुलिस टीम, वहां पर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। और इस बीच आपको वहीं से एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। नवादा के गांव कृष्णा नगर में दबंगों ने महादलित बस्ती में कल बुधवार की रात तांडव मचा दिया। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कृष्णा नगर से, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा साजो सामान, सारे मकान,
दर्जनों की संख्या में मकान जल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि बगल के गांव के ही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर नवादा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात मानी जाए तो साफ तौर पर भूमि विवाद को लेकर ये सब कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जब कल रात ये घर जला दिए गए, यहाँ फायरिंग की गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि पहले फायरिंग की गई और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर गांव में आग लगा दी गई। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब भी धुएं का गुबार धीरे धीरे राख में से उठता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो काफी हलकान हैं, काफी परेशान हैं। उनका आशियाना छिन गया और उसकी वजह से रात उन्हें बाहर टेंट में गुजारनी पड़ी। हालांकि जहां तक स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 2 दर्जन के आसपास घर जलाए गए हैं। हालांकि सर्वे का काम अब भी चल रहा है और स्थानीय प्रशासन के लोग के नुमाइंदे यहां पर अब भी लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, लोगों से चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ इस पूरे मामले में। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उससे बात करेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला। अपना नाम बताएं। गौतम कुमार सर। गौतम, ये बताएं कि जब ये घटना घटी तब आप कहाँ थे? हम यहीं पे जस्ट बैठे हुए थे। कितना समय हो रहा था? लगभग वही 7 बज रहा था, 7:15 के बीच का यह कांड हुआ है। पूरी बात बताएं आगे कैसे? उसके बाद वहां पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे, कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। इस बीच आपको दिखाते हैं कि आगजनी के पीछे भूमि विवाद का ये मामला बता रही है पुलिस। और भूमि विवाद में 2 पक्षों में कल मारपीट हुई, हालांकि फायरिंग की भी बात कही जा रही है। गांव के एक बड़े भूखंड पर महादलितों का कब्जा है, इसी को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। इस टुकड़े पर दूसरा पक्ष अपना दावा कर रहा था और आरोप यह है कि कल शाम दबंगों ने महादलित बस्ती में हमला बोला है। नवादा में दबंगों पर महादलितों की झुग्गियां जलाने का आरोप है। इसके साथ ही नवादा में दलित बस्ती को फूंकने के मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज तक से बातचीत में SDPO सुनील कुमार ये जानकारी दे रहे हैं। उनके मुताबिक संपत्ति विवाद के एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। अब तक जो है प्रारंभिक पूछताछ में जिन लोगों का नाम बताया गया था तो उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसमें मुख्य जो अभियुक्त हैं, मतलब जो बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा घटना कारित की गई, उसकी गिरफ्तारी हुई। क्या नाम है मुख्य अभियुक्त? नंदू पासवान। इसके अलावा कुल कितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए? 10 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी इसमें छापामारी चल रही है, पहचान करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। बात बताई जा रही थी कि पहले बहुत ज्यादा मकान जलाए गए हैं, फिर बात हुई कि करीब 2 दर्जन जले हैं, कितने मकान जले हैं? अब तक जो हम लोग जाँच पड़ताल किए है उसमें 21 घर का इसमें आया था कि जले हैं। और सुबह में फिर से एक बार देखा जा रहा है कि नंबर्स क्या है, उसके बाद अंतिम रूप से गिनती करने के बाद ही हम लोग को बता पाएंगे। सर, इसमें भूमि विवाद का एंगल बताया जा रहा है, भूमि विवाद टाइटल सूट को लेकर फिर इस तरह की बात हुई, तो इसको आगे किस तरह से इसकी रोकथाम होगी इस तरह की घटनाओं की? ऐसी बात आ रही है, जांच पड़ताल में भी बात आ रही है, तो इस बिंदु पे भी जांच की जाएगी और जो भी इसमें बेहतर होगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। आदित्य वैभव मेरे सहयोगी इस वक्त नवादा से सीधे जुड़ गए हैं। आदित्य, वहां के इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि आप मौके का जायजा ले चुके हैं, SDPO से आपकी बात हुई है, क्या स्थिति काबू में है? जी बिल्कुल नेहा, अगर बात कही जाए कि नवादा की क्या हालत है तो ऑफकोर्स यहाँ स्थिति काबू में है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ काफी पुलिस बल को बिठाया गया है, मजिस्ट्रेट की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि यहाँ पर अब कोई अप्रिय घटना न हो सके। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात यह बताएं कि कल जो यहाँ के स्थानीय नागरिक दावे कर रहे थे कि यहाँ पर गोलीबारी की गई और यहाँ गोलियां चलाई गई, तो आज सुबह की तफ्तीश में यहाँ गोली के खोखे भी बरामद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इससे इस बात की तस्दीक होती है कि कल रात जो यहाँ पर लोग आगजनी करने के उद्देश्य से आए थे वो हथियारबंद थे और जो गोली चलाने का आरोप है वो
साबित होता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं नेहा कि जिस तरह से ये पूरा काम, इस पूरे काम को अंजाम दिया गया और जिस तरह से यहाँ कई टीमें बनाकर इस गांव के अंदर यहाँ के यहाँ पर जो लोग घुसे, जो दबंग घुसे और उसके बाद से यहाँ पर जो तांडव मचाया, आगजनी की और साफ साफ यहाँ पर स्थानीय नागरिक ये बता रहे हैं कि बाजाब्ता यहाँ पर पेट्रोल छिड़क कर आगजनी की गई थी जिससे ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया जा सके। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कई गृहस्थियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गई और बर्तन और घर का सारा सामान जला हुआ और बिखरा पड़ा हुआ है। नेहा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के नवादा में हुई आगजनी को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने प्लेटफॉर्म में इस पर लिखा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलित वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। उन्होंने लिखा है प्लेटफॉर्म एक्स पर, प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरह मौन है, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से नवादा की घटना पर अब विपक्ष लगातार हमलावर है। सरकार में हो क्या रहा है? ये सरकार बेफिक्र है, बेखबर है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है, ये महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है बिहार में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार में बैठे लोग अब इस राज को किस संज्ञा से नवाजेंगे? ये क्या हो रहा है बिहार में? ये दलित भाइयों पर अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिहार में दलित भाइयों के घरों में आग लगा दी जा रही है और सरकार चैन की नींद सोई हुई है। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है और जल्द से जल्द, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर बिहार जिस तरह जल रहा है, आग के हवाले है,